हेलो एवरीवन, मैं हूँ विचित्रा एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए वैसलीन के कुछ अमेजिंग हैक्स लेकर आई हूँ। वैसलीन जो हम सबके घर पे मिल जाएगा, हर किसी के घर पे वैसलीन ज़रूर होता है, ऑलमोस्ट हर किसी के घर पे। तो इसके बहुत सारे डिफरेंट यूज़ हैं, बहुत अलग अलग तरीक़ों से छोटी छोटी चीज़ों में वैसलीन का इस्तेमाल किया जा सकता है, इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो आज की वीडियो में मैं वैसलीन के और भी बहुत सारे डिफरेंट हैक्स को दिखाने वाली हूँ, किन किन तरीक़ों से हम वैसलीन को यूज़ कर सकते हैं, पेट्रोलियम जली को। सो वीडियो होने वाला है बहुत ही हेल्पफुल, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि अगर आप लोगों ने मेरी चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करें। तो ये जो रेड कलर का जो सब्सक्राइब बटन है उसे क्लिक करके ग्रे कर दें, एंड देन मेरी वीडियो को लाइक भी करें अच्छा लगे तो। कमेंट करके भी बताएं कि कैसा लगा आप सबको वीडियो, और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कई बार क्या होता है ना, सर्दियों में जो हमारे जो हील्स होते हैं ना, बहुत ज़्यादा क्रैक हो जाता है, ड्राई हो जाता है, तो वैसलीन का इस्तेमाल कर सकते हैं आप। रात को सोने से पहले अपनी हील्स पे, अपने पैरों में वैसलीन को अप्लाई कर लें अच्छे से, और उसके बाद सॉक्स पहन के सो जाए। इससे क्या होता है, हमारा जो हील्स है वो क्रैक नहीं होगा। अगर क्रैक है तो सॉफ्ट रहेगा, ठीक हो जाएगा जो क्रैक्स हील होता है। बहुत बार क्या होता है ना कि हमारे बाल को सेट करना होता है और जो ये बेबी हेयर्स होते हैं ना वो निकल आते हैं, तो अच्छा नहीं लगता है। तो बस आप थोड़ा सा वैसलीन लें अपने हाथों में, और जो बेबी हेयर्स है ना, इन तरीक़ों से आप उस पर लगा लेना, तो एक जेल का काम करता है। और कई बार ऐसा होता है ना, ज़रूरी नहीं है कि हर किसी के घर पे हेयर जेल हो, नहीं होता है, या फिर अगर नहीं है हेयर जेल तो आप इस तरीके से लगा सकते हैं अपने बालों पे, तो बाल सेट हो जाता है। जो बेबी हेयर्स है ना वो ऐसे जेल जैसा वो चिपक जाता है। एंड हाँ, याद रखें कि बाल की जड़ों में ना लगाएं, और सेट हो जाता है। तो इस तरीके से आप बालों में लगा के सेट। स्प्लीटेंस बहुत लोगों को होता है, तो बालों में अगर स्प्लीटेंस हो गया है ना, तो वैसलीन को आप लगा सकते हैं। वैसे मेरे बाल में स्प्लीटेंस अभी नहीं है, जिनके बाल वो बालों में स्प्लीटेंस हो जाता है ना, तो आप वैसलीन को लगा सकते हैं। नेल पेंट अप्लाई करने से पहले अपने नेल क्यूटिकल्स पे अगर आप वैसलीन को लगा लेते हैं, उसके बाद आप अगर नेल पेंट अप्लाई करते हैं, तो इससे क्या होगा, जो नेल पेंट है वो आपके क्यूटिकल्स पे नहीं लगेगा, और उसके बाद ईयरबड से जो भी क्यूटिकल्स है उसे क्लीन कर लें, तो वो आसानी से क्लीन हो जाएगा और वो नेल पेंट जो है वो नेल क्यूटिकल्स पे नहीं। जो हैक है वो है, अगर आपके पास आपके आई शेडो से मैचिंग कोई लिपस्टिक नहीं है, तो आप इस तरीके से अपने आई शेडो पैलेट से जो भी आपका जो आई शेडो, आपका जो फेवरेट कलर है वो ले लें, वैसलीन ले लें, उसे अच्छे से मिक्स कर लें, और आप अपने लिप्स पे अप्लाई कर सकते हैं। सेम आप हाइलाइटर के लिए भी कर सकते हैं। तो आपके आई शैडो से मैचिंग जो है वो आपका लिपस्टिक तैयार हो जाएगा, वो भी वैसलीन से। और सेम चीज़ को आप लेके आप अपने थोड़ा सा अपने चिक्स पे भी अप्लाई कर सकते हैं, तो ये एज अ ब्लशर का भी काम करेगा। आप वैसलीन को एज अ
मेकअप बेस भी अप्लाई कर सकते हैं जिनकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है। तो फाउंडेशन अप्लाई करने के पहले, मेकअप को अप्लाई करने के पहले हल्का सा वैसलीन को ले अपने फेस पे अप्लाई करें एंड देन उसके बाद अपना जो मेकअप है उसे स्टार्ट करें। बहुत अच्छा मॉइस्चराइजर का तो काम करता ही है वैसे। कई बार क्या होता है ना, जिनके नेल्स जो होते हैं वो क्या हो जाता है कि बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाता है उनका नेल्स, या फिर नेल पेंट रिमूव करने के बाद हल्का सा वैसलीन लेके अपने नेल्स पे भी अप्लाई करें तो एक बहुत अच्छा मॉइस्चराइजर का काम करता है नेल्स के लिए। नेक्स्ट जो हैक है ना, ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग हैक है। अगर आपके पास फाउंडेशन नहीं है या ख़त्म हो गया, या कई बार ऐसा होता है या नहीं मिल रहा है, तो आप अपना एक फाउंडेशन बना सकते हैं वैसलीन से। इसके लिए हमें चाहिए फेस पाउडर, उसमें आप वैसलीन को ऐड करें, अच्छे से मिक्स करें। ये ना स्पेशली उनके लिए है जिनकी स्किन बहुत ड्राई है, अदरवाइज़ कोई भी लगा सकता है। ड्राई स्किन वालों के लिए तो ये बहुत ही अच्छा है फाउंडेशन। और बस तैयार हो गया आपका वैसलीन से फाउंडेशन। अगर आपकी लिप्स बहुत ज़्यादा ड्राई हो रही है तो वैसलीन को अप्लाई करके उसके बाद लिपस्टिक लगाएं। तो ये नेक्स्ट जो हैक है ना, अगर आपके पर्स का ज़िप ख़राब हो गया है, या फिर पर्स किसी भी चीज़ का अगर ज़िप ख़राब हो गया है ना, तो आप ज़िप पे ज़रा सा वैसलीन को लगाएं और वो ज़िप ठीक हो जाएगा। कई बार ऐसा होता है ना कि अगर हम नए जूते या चप्पल पहनते हैं तो उससे पैर कट जाता है, तो इसके लिए आप थोड़ा सा वैसलीन लेके उन जूतों पे लगा लें, उसके बाद पहनेंगे ना तो वो पैर नहीं कटेंगे। वैसलीन को आप अगर अपने आईब्रोज पे लगाते हैं, कई बार होता है ना कि आईब्रोज जो होते हैं वो सेट नहीं हो पाता है, या फिर एक ग्लॉसी लुक देने के लिए आईब्रोज पे वो ग्लॉसी और सेट हो जाता है आईब्रोज पे अगर आप लगाते हैं, जिनके स्पेशली उनके साथ होता है ना जिनकी आईब्रोज बहुत ज़्यादा घनी होती है तो उसका शेप अजीब सा हो जाता है, तो आप वैसलीन को लगा के एंड देन आप सेट कर सकते हैं। इवन आप अपने आई लैशेज पर भी वैसलीन को अप्लाई कर सकते हैं। आई होप कि आप लोगों ने इंजॉय किया इस वीडियो को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। फिर मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।